शनिवार को मंडी संसदीय क्षेत्र युवा कांग्रेस ने अपने प्रदेश व्यापी अभियान के तहत जिला मंडी में प्रदेश सरकार के खिलाफ मंडी संसदीय क्षेत्र युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष अनिल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें जिला मंडी के प्रभारी व प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर शेट्टी, जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। गौरतलब है कि युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को आए दिन बदल रही है। शनिवार को प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर मंडी संसदीय क्षेत्र युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंडी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौहट्टा बाजार में उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के जवानों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। इसके पश्चात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडी जिला उपायुक्त कार्यालय में जाकर ईडीसी मंडी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर युवा कांग्रेस ने मंडी जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंडी जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है और प्रदेश सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों को आए दिन बदल रही है। आज प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पे युवा कांग्रेस मंडी जिला ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जो जिलाध्यक्ष के माध्यम से सौंपा। इसमें जो मेन जो मुद्दा था, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी और जो तबादलों पे जो सरकार का ध्यान है, जो एक प्रतिशोध की राजनीति के तहत वो एक जो काम कर रही है प्रदेश सरकार, और जो कांग्रेस सरकार ने जो संस्थान घोषित किए गए हैं उनकी नोटिफिकेशन को रद्द करना है, जिससे युवाओं में आक्रोश है। और आज हमने देखा कि यहाँ पे मंडी को एक पुलिस छावनी के तौर पे तब्दील किया गया। ये अगर पुलिस प्रशासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को अकेले लगाई होती तो प्रदेश सरकार की ये नौबत नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।